हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा वो कार के को अंदर से सफाई का लेके आऊंगा, जो कि मैं आज आप लोगों के लिए कार को अंदर से साफ करके दिखाऊंगा कि इसी एक इंस्ट्रूमेंट से, और बहुत ही सस्ता इंस्ट्रूमेंट है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है आपकी कार के लिए, और आप इससे अंदर से कार को आसानी साफ़ कर सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको मेरे द्वारा दी गई वीडियोस की जानकारी तुरंत हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इंस्ट्रूमेंट की जानकारी, छोटी सी, ये तो RNG इको ग्रीन का वैक्यूम क्लीनर है, और ये इसका फिल्टर है, इसके आगे वाली नोब, और ये इसके डीप एरिया में साफ करने की नोब है। और ये दोस्तों टेप मैंने इसलिए रखा है इस पर क्योंकि मेरी ये चटक गई थी, टूट रही थी इस गिरने की वजह से, ये काफ़ी ज़ोर से गिरी थी इसलिए टूट गई है, लेकिन इस पर टेप लगा दिया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। टेप इसलिए लगा दिया ताकि इसकी एयर बाहर को प्रेशर ना मारे और कूड़ा बाहर ना निकले। तो दोस्तों, मैं इसको आपको असम्बल करना दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आप इसको आसानी से फिट करना देख सकें कि किस तरीके से इसको फिट किया जाना है। इसका फिल्टर आसानी से फिट हो जाता है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं फिट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, ये तो ऐसा है, ये मैं एक हाथ से मोबाइल को पकड़े हुए था असल में, इसलिए ये आसानी से फिट नहीं हो पा रहा था मुझसे एक हाथ से। और अभी मोबाइल को रख देता हूँ ज़रा, फिर फिट करता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों, आसानी से फिट हो चुका है ये। और ये तो एक बटन से केवल एडजस्ट हो जाती है, ये मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को लगा के। ऊपर एक बटन है छोटा सा, इसमें ये आसानी से फंस जाती है, ये देखिए सो ये फंस चुकी है। और इसमें नोब लगा देते हैं तो ये डीप एरियाज में साफ़ करने के लिए है, जो अंदर के एरिया है उसमें, और अंदर के एरिया में रगड़ के साफ़ करना हो तो इसको लगा सकते हैं आप लोग। मैं ज़्यादातर दोस्तों ये छोटे वाले नोब को इस्तेमाल करता हूँ कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इससे अच्छा भी सफाई भी अच्छी होती है। और ये इसको दोस्तों सिगरेट चार्जर है, और दोस्तों इसमें वायर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मेरी ये पीछे पार्सल ट्रे पर रखी हुई है, और मैं इसको आगे लगा देता हूँ। अभी देखिए, आगे लगाता हूँ मैं इसको जाके, और फिर इसको चला के आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। दोस्तों, जिस समय मैंने ये ली थी उस समय इसका प्राइस रेट जो था, अमेजन से मैंने मंगाई थी, तो उसका प्राइस रेट उस समय 1149 रुपये पड़ा था मुझे, और इस समय ये थोड़ी महंगी है शायद, इस समय 1700 या 1800 रुपये की पड़ रही है ऑनलाइन मंगाने पर। बाकी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को जो भी अच्छी, इससे भी अगर अच्छी हो आप लोगों के लिए तो आप लोग वो ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कार में बैटरी का कोई इशू है तो इसको कार ऑन करने के बाद ही, कार स्टार्ट करने के बाद ही सफाई करें। मेरी कार में बैटरी का थोड़ा इशू था, इसीलिए मैंने कार को स्टार्ट कर लिया था, और बाकी आप देख ही सकते हैं कार को स्टार्ट करके ही आसानी से आप चला सकते हैं। अगर आपकी कार में बैटरी ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप लोग देख सकते हैं, आप ये दोस्तों, इसकी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी, इसीलिए मेरी आवाज़ थोड़ी शायद आपको हल्की लग सकती है, क्योंकि ये भी जब चलेगी तो काफ़ी थोड़ी आवाज़ करती है। वैसे दोस्तों, पार्सल ट्रे मेरी कोई खास गंदी नहीं थी, फिर भी मैंने चला के दिखा दी थी। मैं अंदर से सफाई दिखा देता हूँ दोस्तों आपकी। दोस्तों, ये आगे से सफाई जो मैंने की हुई है वो है ये दोस्तों, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने पहले फुटमैट, दोस्तों वैसे तो मैं बाहर हिला देता हूँ, हटा देता हूँ, बाहर निकाल के ही साफ़ कर देता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए अभी ये अंदर ही रखी क्योंकि मुझे आपको साफ़ करके दिखानी थी, ये धूल आसानी से हटा देती है। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ना दाग सफ़ेद सफ़ेद, ये दोस्तों गीली मिट्टी का है, ये गीली मिट्टी जो सूख गई है, रगड़ उस पर जम गई है, वो इससे साफ़ नहीं हो पाएगी, लेकिन जो धूल है वो आसानी से इससे साफ़ हो जाएगी। और कार में सबसे बड़ी समस्या ही दोस्तों धूल की होती है, क्योंकि जो धूल अंदर जम जाती है उसको वो निकलती नहीं है, ख़ासकर फुट मैट के नीचे जो धूल होती है वो। ये देखिए दोस्तों, ये आसानी से दोस्तों मेरे में ये डबल फुट मैट पड़ा हुआ है, क्योंकि एक मैंने लगवाया था और एक ये मारुति ने मुझे दिया था हल्का वाला, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं इसको निकलवा दूँगा और मैं इस पर लैमिनेशन करवाऊँगा, इसको इसका फ्लोर लैमिनेशन जिसे बोलते हैं, या फ्लोर लैमिनेशन होगा तो उसको उसका वीडियो बना दूँगा। और ये फ़िलहाल आप देख सकते हैं,
देखिए इसको आसानी से साफ़ कर रही है मिट्टी को, और ये अच्छी खासी सफाई कर देती है मिट्टी को, कहीं पे मिट्टी नहीं रहेगी। लेकिन छोटी छोटी जो गिट्टी होती है उसकी लिफ्टी हैं उनको ये नहीं उठा पाती है, गिट्टियाँ रह जाती हैं, बाकी ये मिट्टी को पूरी तरीके से साफ़ कर देगी। ऐसी गिट्टियाँ रह जाती हैं उसको जिनको आप आसानी से हाथ से भी उठा सकते हैं, बाकी छोटी छोटी गिट्टियाँ जो होती हैं बहुत हल्की उनको ये आसानी से हटा देती है। तो ये मैं फुटमैट के नीचे से सफाई करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए उसको आसानी से फुटमैट के नीचे भी ये साफ कर देती है। दोस्तों आपके पास अगर इससे अच्छा प्रोडक्ट है तो आप वो मंगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको यही मंगानी है। मेरा दोस्तों मकसद यही है कि मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों की कार के अंदर से आप वैक्यूम क्लीनर से किस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं, और ये कार के ही लिए है वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि इसमें सीक्रेट चार्जर दिया हुआ है जिसको आप केवल कार में ही यूज़ कर सकते हैं, कार या व्हीकल्स में ही यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए दोस्तों आप, अब मैं इसको सीट पे थोड़ा साफ़ करके दिखाता हूँ। देखिए इसको सीट के अंदर का रख करके ये आसानी से आप साफ़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है यहाँ पर। दोस्तों सीट के जो नीचे जिस जगह हम बैठते हैं और ये सीटों का यहाँ ये जो जोड़ होता है इस जगह पे दोस्तों काफ़ी अंदर की तरफ से मिट्टी या धूल फंस जाती है जो निकलती नहीं आसानी से, कपड़े से पोंछने पर दाग धब्बे रह जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको वैक्यूम क्लीनर से साफ़ किया है और ये आसानी से निकल जाएगी इससे। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, दोस्तों मेरी कार वैसे अंदर से कोई खास ज़्यादा गंदी नहीं है, लेकिन फुटमैट पे ही मिट्टी थी, और ये क्योंकि मैं इसको वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करता रहता हूँ तो अंदरूनी एरियो में ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं थी धूल, लेकिन जो अभी मैं बारिश के मौसम में कहीं गया था इसलिए ये बच्चों ने थोड़े पैर वैर रख दिए थे यहाँ पर, इसलिए थोड़ी गंदी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सोचा कि वीडियो भी बन जाएगी और साफ भी हो जाएगी कार, तो इसीलिए मैंने इसको बना दिया। ये देख सकते हैं आप लोग, और दोस्तों मैं इसको साफ़ करके दिखा देता हूँ आपको कि आपको किस तरीके से इसमें से मिट्टी निकालनी है जब आप लोग कार की सफाई कर लेंगे तो। ये सिंगल हैंडेड दोस्तों एक बटन दबाने से ही ये निकल जाती है, ये देखिए आप लोग केवल सिंगल बटन दबाने से इसको आप लोग निकाल सकते हैं। ये देखिए ये निकल गई है, और ये दोस्तों मशीन है इसका मेन मोटर वगैरह, तो इसमें धूल नहीं पहुंचती है फिल्टर की वजह से। अभी मैं फ़िल्टर आपको दिखा देता हूँ कितनी मिट्टी इसमें निकली है, देखिए दोस्तों इतनी सारी मिट्टी जमा हो चुकी थी मेरी कार में नीचे, जो कि इससे आसानी से साफ़ हो चुकी है। और कार में भी दोस्तों इससे जैसे आप साफ़ करेंगे तो कपड़े की दिक्कत नहीं होगी कि कपड़ा आपका मारेंगे इधर उधर तो धूल उड़ती है दोस्तों उससे कपड़े से, अगर आप धूल उड़ाएंगे कपड़े से तो। ये देखिए दोस्तों कितनी सारी मिट्टी निकली है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको मिट्टी कितनी सारी है, कैमरे में शायद आपको कम दिख रही हो लेकिन ये काफ़ी मिट्टी है, कार के लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही है, वैसे तो नहीं है लेकिन कार के लिए काफ़ी है, इतनी धूल भी आपके पार्ट्स में जमने के लिए। तो मैं इसको लंबी नोज वाली दिखा देता हूँ उसको दोबारा संभल करके, कि लॉन्ग नोज से किस तरीके से आप अपनी कार को आसानी से साफ कर सकते हैं। तो आप इसमें ये कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता है, कपड़ा सफाई नहीं कर सकता, वहाँ पे आप इसकी नोज़ से आसानी से साफ कर सकते हैं। ये अंदर ये डोर की तरफ जो होता है जैसे ये होती है पॉइंट वगैरह, ये आप कपड़ा डालेंगे तो इसमें आसानी से आप हाथ नहीं पहुँच पाए, तो आप इससे आसानी से साफ कर सकते हैं। तो और इसको आप जो डैशबोर्ड वगैरह भी इससे साफ़ कर सकते हैं, ये जहाँ पे ये जोड़ वगैरह होते हैं ये इनमें मिट्टी सकती है, इससे आसानी से निकल जाएगी, जो बटन में ये जो बटन के आसपास मिट्टी जमा हो जाती है वो इससे आसानी से साफ हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इससे डैशबोर्ड भी साफ़ किया है अभी,
और मैं से दोस्तों ऐसे ज़्यादा इसी यूज़ में रहता हूँ ताकि मैं उसको आसानी से कार को साफ़ कर सकूँ, जल्दी कर सकूँ। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने केवल एक तरफ से ही दिखाई है, क्योंकि अगर पूरी कार की सफाई दिखाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा वीडियो में लंबा नहीं करना चाह रहा था इसीलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट कर दिया है। और दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और जैसा कि मैंने पहले दोस्तों आप लोगों से कहा, अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही नए नए वीडियोज़ में आप